क्या आपने धुन सुनी है? जी हाँ, IPL इंडियन प्रीमियर लीग, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट लीग, वर्ल्ड की सेकंड पॉपुलर लीग, जिसकी ब्रांड वैल्यू 10 से 15 बिलियन डॉलर की है। अगर वर्ल्ड की सारी T20 लीग्स को भी मिला ले तो भी उसकी वैल्यू उससे ज्यादा है। BCCI ने ये बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन वाला लीग कैसे बनाया, जिससे सेलिब्रिटीज या फिर प्राइवेट कंपनीज क्रिकेट टीम को ओन करने के लिए रेडी रहती है, इंटरेस्टेड रहती है। आइए जानते हैं IPL का बिजनेस मॉडल। हाय, आई एम प्रियांशी सिक्ची। BCCI, IPL टीम और जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, उन सब का बिजनेस मॉडल इस वीडियो में समझते हैं। 2008 में ना, जब IPL स्टार्ट हुआ था, तो सारी 8 टीम्स को परचेज करने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स ने, सेलिब्रिटीज ने मिलकर 723 मिलियन डॉलर रुपीस दिए थे। वहीं 2021 में एक टीम गुजरात टाइटन्स को परचेज करने के लिए 740 मिलियन डॉलर दिए गए हैं और लखनऊ को परचेज करने के लिए 940 मिलियन डॉलर। अब ना, सबसे पहले अगर BCCI की बात करें, तो जैसे अगर आपकी कॉलोनी में गणपति पंडाल होता है, तो जो सबसे ज्यादा चंदा देता है उसका बोर्ड पे सबसे ऊपर नाम होता है। वैसे ही ना, टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए करोड़ों रुपए दिए जाते हैं BCCI को। 2008 से 12 में DLF ने DLF IPL बुलवाने के लिए 10 करोड़ रुपीस पर ईयर दिए थे। वैसे ही पेप्सी ने 13-15 में 26.6 करोड़ दिए। 16-17 में वीवो ने आके तो गेम ही पलट दिया, फर्स्ट ईयर से 50 करोड़ पर ईयर दिए और 18-19 में आकर 220 करोड़ पर ईयर। 2020 में ड्रीम इलेवन ने 220 करोड़ दिए, 21 में फिर से वीवो ने 440 करोड़ दिए और 2022 में टाटा ने 167.5 करोड़ पर ईयर दिए। ये तो ना सिर्फ टाइटल की स्पॉन्सरशिप थी, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स तो सबसे ज्यादा अर्निंग देके जाते हैं BCCI को। पहले ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सिर्फ एक कंपनी को जाते थे, वही टीवी पर दिखा देते थे और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। इस साल से डिजिटल एज वेल एज मीडिया दोनों के राइट्स अलग अलग कंपनीज को दिए गए हैं। ये तो ना सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स थे, दूसरी स्पॉन्सरशिप लाइक ग्राउंड्स के आसपास आपको ग्राउंड पे सीएट टायर्स दिख गया, ग्राउंड के आसपास कोई लोगोस दिख गए, अंपायर के टी शर्ट पे लोगोस दिख गए, इन सब का स्पॉन्सरशिप मनी भी BCCI के पास आता है। ऑक्शंस जो होती है, तो जो टीम का बिडिंग प्राइस होता है या फिर कोई नई टीम इंट्रोड्यूस करने का प्राइस होता है, ये सारा अमाउंट भी BCCI के पास जाता है। बट जो भी कलेक्शन BCCI करती है, उसका 50-50% BCCI रखती है, 50% IPL टीम्स में डिवाइड होता है। IPL का ना विनिंग प्राइस पिछले साल था 20 करोड़, जो इस साल मैक्सिमम हाइक होके हो सकता है 25 करोड़। तो इस 25 करोड़ के विनिंग प्राइस के लिए तो कोई IPL टीम को नहीं खरीदेगा। जस्ट इमेजिन, 740 मिलियन डॉलर दिए हैं गुजरात टाइटंस को खरीदने के लिए। तो इट्स नॉट ओनली कि वो 25 करोड़ के विनिंग प्राइस के लिए बिड कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन, अगर आपको कल उठकर कोई टीम खरीदनी है और आपके पास मिलियन डॉलर है फॉर एग्जाम्पल, तो आप BCCI के पास गए, उनसे बोला कि हमें टीम खरीदनी है और आपको टीम बनानी है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। पर हाँ, जिनके पास ऑलरेडी टीम्स है, उनको आप पैसा देकर कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर इस टीम के बाय कर सकते हैं, और जितनी ज्यादा वैल्यूएशन होगी उस टीम की, उतना ज्यादा अमाउंट उस पर्सन को मिलेगा। जस्ट लाइक LIC ने CSK में कुछ परसेंटेज ओन किया है टीम को। पर ना, ये सब तो वैल्यूएशन की बात है, हाउ लाइक दे आर अर्निंग टू पे सैलरीज ऑफ क्रिकेटर्स, टू पे फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, होटल में स्टे कैसे करवाते हैं, रेगुलर मेंटेनेंस कैसे होता है, उन सबके लिए ना उनकी इनकम आती है स्पॉन्सरशिप से। अब स्पॉन्सरशिप कैसे, आप लोगों ने देखा होगा कि मुंबई इंडियंस, CSK और सारी टीम्स ट्वीट करके बताती है कि उनकी न्यू जर्सी कौन सी है और जर्सी में क्या कलर टेक्सचर चेंज किया है उन्होंने, व्हाट आर द न्यू थिंग्स इन दैट। और उसमें आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोगोज हैं। इन टोटल ना टी शर्ट ट्राउजर पे 6 से 7 लोगोज होते हैं, उसके लिए बहुत सारा अमाउंट पे करती है कंपनीज। और सेंटर ऑफ द जर्सी पे जाने के लिए तो पॉपुलर टीम्स को 25 करोड़ तक मिलते हैं। इतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट का क्रेज है कि गुजरात टाइटंस, जो कि लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई थी, उनको भी 16 स्पॉन्सरशिप्स मिली थी। एक फन फैक्ट है, RCB ने चाहे एक भी ट्रॉफी नहीं जीती और मुंबई इंडियंस ने चाहे 5 ट्रॉफी जीती है, पर स्पॉन्सरशिप अमाउंट RCB का मुंबई इंडियंस से भी ज्यादा है और CSK एज वेल एज RCB का अमाउंट ऑलमोस्ट इक्वल। अभी तक जिस अमाउंट की बात की है ना, वो तो सिर्फ जर्सी के लोगोस की है, इसके अलावा जर्सी की अपनी खुद की वैल्यू है। जर्सी पहन के जो क्रिकेटर्स एडवर्टीजमेंट करते
करते हैं उसका अमाउंट आईपीएल टीम ओनर्स को जाता है। जर्सी की इम्पोर्टेंस सिर्फ एडवर्टीजमेंट तक लिमिटेड नहीं है, इतनी है कि मर्चेंडाइज सेल्स भी होती है उसके अराउंड। आप ये ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन स्टेडियम में इटसेल्फ भी परचेज कर सकते हैं। इनका नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम होता है टिकट से कलेक्टेड मनी। होम टीम्स को जो टिकट कलेक्टेड मनी मिलता है उसका 80% शेयर वो खुद रख सकते हैं और 20% उनको बीसीसीआई के साथ शेयर करना पड़ता है। एज वेल एज जो बीसीसीआई ने 48,000 करोड़ रुपीज ब्रॉडकास्टिंग राइट से लिए थे या फिर स्पॉन्सरशिप से जितना भी मिला था उसका 50% बीसीसीआई इनके साथ शेयर करता है टू ऑपरेट थिंग्स, तो वो भी इन्हें मिलते हैं। एंड लास्टली ना, बीसीसीआई तो इनके साथ 50% रेवेन्यू शेयर करती है जो भी उनको स्पॉन्सरशिप से मिलता है या फिर ब्रॉडकास्टिंग राइट सेल करने पे मिलता है। आपको पता है 2021 में 400 मिलियन व्यूअरशिप क्रॉस हो चुकी थी फॉर वॉचिंग आईपीएल और उस समय 10 सेकंड एडवर्टीजमेंट का जो स्लॉट था उसके लिए 14 लाख रुपीस चार्ज करती थी डिज्नी स्टार, जो इस बार सोर्सेस के हिसाब से 30 सेकंड के लिए 1 करोड़ रुपीस चार्ज करेगी। तो उनके लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू है कमिंग फ्रॉम दी एडवर्टीजमेंट। और जहां तक ना डिजिटल मीडिया की बात है तो उनके लिए तो सब्सक्रिप्शन बढ़ना ही बहुत बड़ी बात है, एज वेल एज एडवर्टीजमेंट तो एक सेकेंड रेवेन्यू सोर्स है ही। लास्टली आईपीएल का जो विनिंग प्राइस है विच इज 20 करोड़ का, वो भी आईपीएल टीम के पास जाता है। रनर अप को प्राइस मिलता है 13 करोड़ का, वो भी आईपीएल टीम का होता है। 7 करोड़ ईच थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन टीम को मिलता है, जिसका 20% ये बीसीसीआई के साथ शेयर करते हैं, बाकी टीम के पास रहता है। अगर हम इस कंप्लीट एपिसोड को समअप करने की कोशिश करें तो बीसीसीआई के पास इन टोटल स्पॉन्सरशिप का अमाउंट होता है, टाइटल स्पॉन्सरशिप, दूसरे स्पॉन्सरशिप्स, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, इसका रेवेन्यू होता है जिसका 50% ये खुद रखते हैं एंड 50% ये आईपीएल टीम्स के साथ शेयर करते हैं। आईपीएल टीम की बात करें तो उनकी जर्सी पे जितने भी लोगोज होते हैं, एडवर्टाइजर्स होते हैं, उसका रेवेन्यू होता है। जर्सीज में जितने भी उन्होंने एडवर्टीजमेंट करवाए होते हैं थ्रू क्रिकेटर्स, जर्सीज की मर्चेंडाइज सेल्स का अमाउंट होता है। टिकट प्राइस रेवेन्यू होता है, विनिंग प्राइस रेवेन्यू होता है। फॉर डिजिटल पार्टनर्स जो एडवर्टीजमेंट पर स्लॉट वो बेचते हैं एज वेल एज सब्सक्रिप्शंस, वो उनका बिजनेस मॉडल है। और ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर्स के लिए जितना भी उनके सब्सक्रिप्शंस आए वो बिजनेस मॉडल होता है, एज वेल एज उनका रेवेन्यू थ्रू एडवर्टीजमेंट पर 10 सेकंड या पर मिनट का स्लॉट जो वो सेल करते हैं उससे रेवेन्यू होता है। आई होप इस वीडियो के बाद आपकी कुछ क्यूरियोसिटी बिजनेस मॉडल को लेके कम हुई होगी। बट अब मैं तो जा रही हूँ टिकट बुक करवाने, क्योंकि फर्स्ट मैच 31 मार्च को है और धोनी को मैं मिस नहीं करना चाहती।